क्या करके रहे हो? हम गाड़ी ठंडी कर रहे हैं तो जल्दी गर्म हवा बाहर आ जाएगी। वाह आ गई अरे उड़ गई सर, चल गए। हेलो माय फेवरेट पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है ट्यूसडे और मैं फ़िलहाल लखनऊ में हूँ और मैं जा रहा हूँ वापस दिल्ली। आज सीन ऐसा है कि हमने करी है वापस जाने की फ़्लाइट दिल्ली, लखनऊ टू दिल्ली की फ़्लाइट है हमारी, जो कि है अराउंड 2:50 की बोर्डिंग टाइम है उसका। तो अभी तो घर से निकल गए हैं और 12:30 के अराउंड हो रहा है टाइम। और फिलहाल भैया जा रहे हैं मुझे छोड़ने और हम 2 लोगों की फ़्लाइट है। ये है दीदी हमारी जो हमें लेके जा रही है फ़्लाइट से। और ख़ास बात इस चीज़ में ये है कि मैं हो गया हूँ 27 अट्ठाईस साल का और ये मेरी पहली फ़्लाइट है। बाकी मेरे घर वाले सारे बैठ चुके हैं फ़्लाइट में, मैं ही नहीं बैठा था। तो आज मेरी पहली फ़्लाइट का एक्सपीरियंस मैं भी देखता हूँ कैसा होता है, फिर मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा उस एक्सपीरियंस को। तो जो मुझे लगे कि टिप्स जो आपके काम आ सकें वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा, आपको कोशिश करूँगा बताने की। बाकी आप बताना वीडियो देख करके, अगर आपको कुछ और जानना हो और मैं आपको कुछ बता सकूं तो आप कमेंट में अपने क्वेश्चंस भी लिख सकते हो, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल अभी तो हम जा रहे हैं, रास्ते में हैं, तो बाकी की वीडियो हम आगे जाके एयरपोर्ट पे पहुंच के बनाएंगे। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय और मिलते हैं थोड़ी देर में एयरपोर्ट पर आपसे। बाय बाय बाय। आराम से जाना और जब चलेगा ना हाँ। वो जैसे बूस्ट लगता है हाँ। उसका तैयार रखना, उड़ रहा है। टिप्स एंड ट्रिक्स, टिप्स अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फाइनली तो एयरपोर्ट के अंदर घुस चुके हो। तो कहती है एसी भी चल रहा है, एसी तो चल रहा है। आओ ना जरा सामान फटाफट। अब गेट देखते हैं हमारा कौन सा है, यहाँ से देखेंगे हमारा गेट कौन सा है। 15:35 तो है, 15:35 तो है, चलो समय पर है ये। फिलहाल हम आए कैसे हम बताते हैं। जैसे हमने गेट से एंट्री करी, वो सामने से हमने एंट्री करी थी, उसके बाद फिर हम आएंगे इधर कॉर्नर को। वहाँ पर से आपका चेक इन होगा, बोर्डिंग पास आपको वहाँ पे स्कैन कराना पड़ेगा, फिर अंदर एंट्री होगी, फिर आपका लगेज वगैरह जो भी आपका जो साथ में लेके कैरी करोगे वो लगेज आपको वहाँ पे रखना होगा, इसमें मेटल होगा, वो सारी चीज़ें बाहर आपको ट्रे में रखनी होगी। देखो हमारी लाइन लग चुकी है, हमें उस लाइन में लग जाना चाहिए। चलिए तुम्हारी कंफर्म्ड है ना? क्या बोला तूने? चलिए तुम्हारी कंफर्म्ड है ना? नहीं प्लीज वहाँ पे जाके हमको बोलना पड़ेगा, हमको सीट दे दो मैन प्लीज। जैसे कि अगर हम टिकट बुक करते हैं फ्लाइट का तो आप ऑनलाइन कर सकते हो, पेटीएम वेटीएम पे बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ से आप ऑनलाइन टिकट कर सकते हो। बुक करने के बाद आपको वेब चेकिंग करना होता है, इससे क्या होता है आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, आपके पास बोर्डिंग पास आ जाएगा। हमें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको चीपेस्ट फ्लाइट पता करनी है कहाँ पे मिलेगी तो उसके लिए आपको कमेंट करके पूछना पड़ेगा मुझे, तो मैं आपको बता दूँगा कि जहाँ से हमने करी थी हमें चीपेस्ट फ्लाइट मिल गई वाली, तो वो भी मैं बता दूँगा आपको साइट कहाँ से आप कर सकते हो। फाइनली हमने बोर्डिंग काउंटर क्रॉस कर ली है, बोर्डिंग पास दिखा करके अब हम जा रहे हैं प्लेन में बैठने के लिए। नकाब अपने आप नहीं मशीन के लिए पहले ही ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए यह आवश्यक है कि आप इसे अपनी ओर खींचे और नाक में लगाकर सांस लें। नहीं अब नहीं यार, कहीं कहानी ऐसी है, ऐसे ही बैग फेंकते हैं, बहुत ही तगड़ी तरीके से बैग फेंके जा रहे हैं। का नहीं लगे, गया बिजी है जरा, 4 दिन को हो गया बहुत। ये चीज़ खोला तो यहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। चक्कर आ रहा मुझे अरे मुझे चक्कर आने लग गया। पी करके ना ज्यादा खा पी करके मजा ना पक्का उल्टी करेगा ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ऊपर ले आया है। एक वो छोटा सा बादल दिख रहा भाई अलग से और सामने तो एक लाइन बनी हुई पूरी बादल की। देख नीचे बादल बादल ठोके गए। प्रिंस बेचारे को क्या हो रहा है क्या ये प्लेन थोड़ा सा नीचे जा रहा है। मुझे मोशन सिकनेस हो रही है। निकल यार। प्रिंस कह रहा है मैं दोबारा इस प्लेन में नहीं बैठूंगा। और मैडम जी अपनी सीट पे बैठो। प्रिंस कह रहा है मैं दोबारा प्लेन में ही नहीं बैठूंगा। सर ठोकेगा ये सर। और वो सैंडविच कैसा लगा प्रिंस? छीन टपाक डम डम बोर्ड कर दिया इतनी खुशी तो उल्टी आने वाली थी। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। सो गाड़ी में बैठ करके अगर चक्कर आते हैं तो इसमें तो बैठ करके डबल चक्कर आते हैं। प्लेन में देखो मोशन सिकनेस होती है बहुत ज्यादा। जिसको गाड़ी में बैठ करके चक्कर आता है ना उसको पक्का चक्कर आता है। और लंबी फ्लाइट अगर ले लो भाई हालत खराब होगी। और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी। और एक और चीज भाई किसी ने गैस छोड़ दी थी इतनी भयंकर। तो वैसे दिमाग खराब हो रहा था मोशन सिकनेस की वजह से। और जैसे लैंड करने वाला था ना मतलब एल्टीट्यूड कम हुआ थोड़ा सा भाई किसी ने काम कर दिया वहाँ। और मतलब ऐसी जगह वहाँ पे बैठे हुए हैं हम जहाँ पे ये हुआ है कि हम हिल भी नहीं सकते हो। और उन्होंने बोला कि वो भी नहीं सीट बेल्ट भी नहीं खोल सकते कुछ नहीं कर सकते वहीं बैठ रहे हो लैंडिंग के टाइम पे कुछ। निकल यार। और मैडम जी अपनी सीट पे बैठो। मुझे पता है ये कौन था हमारे आगे वाली सीट पे लेडी जो बैठी थी ना उसने करी ये लेडी हमारे आगे बच्चा बच्चे की मम्मी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हमने डिसाइड किया है कि हम यहाँ पे मेट्रो से एरो सिटी जाएंगे और फिर एरो सिटी से हम कैब करेंगे घर जाने के लिए। आपका स्वागत है एयरपोर्ट मेट्रो में। इधर ही बैठ जा। कैसे लग रहा है आपको? पहली बार सोचो प्लेन के बाद तुम ऑटो में पहुंचे हो। प्लेन से उतरे ऑटो में बैठे। हम दिल्ली की 45 डिग्री सेल्सियस में बाहर घूमते हुए मजे लेते हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना कमेंट कर देना शेयर कर देना। और जिस जिसने सब्सक्राइब नहीं करा हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।